अब खबर गरियाबंद से है, जहां चुनाव को शांतिपूर्ण और बिना बाधा के संपन्न कराने में निश्चित रूप से प्रशासन के साथ पुलिस का सहयोग रहा। बता दें कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी घटना के लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण अब संपन्न हो गया है। खबर थी कि चुनाव के 3-4 दिन पहले बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार की बात कही थी। बता दें कि पूर्व विधानसभा चुनाव में नक्सलियों ने यहां एक जवान की एम्बुश लगाकर जान ले ली थी, जिसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल ने सक्रियता दिखाई। और विशेष बात यह रही कि इस पोलिंग बूथ बड़े गोबरा में लगभग 80% से अधिक का मतदान हुआ। जवानों ने नक्सलियों की सोच से एक कदम आगे बढ़कर उस रास्ते से मतदान दल को वापस लाया जिसके बारे में नक्सलियों की सोच नहीं पहुंच सकती। बता दें कि मैनपुर से बड़े कोयबा, जिसकी दूरी लगभग 15 से 18 किलोमीटर है, उसके बदले जवानों ने मतदान दल के अधिकारियों को 25 से 30 किलोमीटर घुमाकर जंगलों से लाए और नक्सली संभावित सोच से अलग रास्तों से लाने के चलते सारे लोग सकुशल पहुंचे और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। सर, इसका श्रेय तो मैं शासन प्रशासन को देना चाहूंगा और खासकर हमारे जो सुरक्षा में, बड़े गोबरा एक संसदीय जगह था, हमारे सुरक्षा में जो सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन और अन्य जवान जो हमारे सुरक्षा में गए थे, पग पग में हमारे साथ दिए और हमको कुछ असुविधा हुआ लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा उनका सहयोग रहा। आते समय जाते समय वहां पर पूरा हमारी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। लोकतंत्र में हम लोग बहुत ही अच्छा वहाँ पर मतदान 80% करके आए हैं सर। वहाँ अर्धसैनिक बल पूरा इन्फोर्सर के कारण हम लोग को कोई मतलब वो ऐसा मतलब वो अंदर में आया ही नहीं। अब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलैक्स लग रहा है, जाने से पहले भी लग रहा था, अब आने के बाद भी लग रहा है। बस थोड़ा ज़्यादा चलने का वो हुआ कि विधानसभा में पिछले बार हुआ था सर, तो मन में ये था कि यहाँ तो कोई ना कोई तो जाएगा ही, उससे अच्छा हम लोग चलते हैं। लेकिन जब वहाँ देखे ना फोर्सर लोग फोर्सको, तो ये लगा कि सेंसिटिव एरिया है, लेकिन जब देखे ना फोर्सको तो मन में कोई डर नहीं आया, तनाव नहीं, कुछ नहीं।